मामला इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारी दरख्वास्तें यकजा की गई हैं। वहाँ जो काजी फायज ईसा का ओवरऑल मुझे फोकस नज़र आता है वो दुरुस्त नज़र आता है कि इंतखाबात होने कब है और किसने ऐलान करना है। अगर इस तफसील में जाएंगे कि कौन सी आइनी शिक की खिलाफवर्जी हुई है, तो बहुत सी आइनी शिकों की खिलाफवर्जी ऑलरेडी हो चुकी है। किसका आइनी इख्तियार था या किसका नहीं था, अगर इसको इंटरप्रेट करने लगेंगे तो 3 महीने कार्रवाई चलती रहेगी। तो इसको शॉर्ट करने का तरीका यह है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तलब करें, और तलब 2 नवंबर तक तो इसकी समाप्त उन्होंने मुलतवी की है, और इलेक्शन कमीशन से कहें कि आपने तारीख का ऐलान नहीं किया, तारीख का कब ऐलान करते हैं। वो जनवरी के आखिर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले कह चुका है कि हम इंतखाबात करवाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाए, कहे कि ये अब मरदमशुमारी हो चुकी है, हल्का बंदियों का अमल जारी है, तो हम ये 21, 25, 24 जनवरी की जो भी तारीख उनके जहन में है, हम इसको इलेक्शन करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो इस चैप्टर को क्लोज़ करें और आगे जाएं। अदरवाइज़ ये फसाद वाली चीज़ें हैं, फसाद वाली चीज़ों को आप जितना खोलते जाएं फसाद फैलता जाता है, थमता नहीं है। और लास्टली सबसे जो इम्पॉर्टेंट होगा, नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस तो तशरीफ़ ले आए हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ इस वक्त एक सज़ा याफ्ता और पाकिस्तान के आइन के तहत नाहल शख्स हैं। उनकी कल 2 दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है, एक अल अजीज़िया वाला मामला है और एक एवन फील्ड का मामला है। एवन फील्ड के मामले में शरीफ फैमिली के पास कोई वाज़े जवाब मौजूद नहीं है कि वो मनी ट्रेल कहाँ है, वो कतरी ख़त का सहारा या अब्बा जी की गल्फ स्टील मिल की कहानी, वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई अदालत बुनियाद बनाकर कहे कि हाँ ये वाज़े हो जाती है बात, ख्याली बातें। लेकिन दूसरी तरफ भी जो नैब वाले थे, उन्होंने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का जो गठजोड़ इस नोयत का था कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की आर्म ट्विस्टिंग करके फैसले कर लिए हुए हैं। तो वहाँ ट्रांसपेरेंसी को सामने रखना पड़ेगा, शवाहिद लाने पड़ेंगे, और उसको सामने रखते हुए जो भी रास्ता इख्तियार किया जाए वो पूरी कौम को उस पर भरोसा होना चाहिए, वाजे होनी चाहिए चीज़ें, 2+2=4 होनी चाहिए। अकाउंट रिसीवेबल पर डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वाजे जवाब मनी ट्रेल करनी है तो उससे सजा के माफ़ी का रास्ता भी नहीं होना चाहिए। शुएब साहब हमारे साथ हैं, तो शुएब साहब हमने काफ़ी गुफ्तगू तो कर लिया, लेकिन वन लाइनर आप भी दे रहे हैं, आप इस फैसले को वेलकम करते हैं जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल के ऊपर आज एक 5 रुकनी बेंच का फैसला है? मैं समझता हूँ कौम को मुबारक हो, पाकिस्तानियों को मुबारक हो, ये बहुत तारीखी फैसला है। और ये आपको याद होगा कि जो अमेंडमेंट हुई थी अयूब खान के ज़माने में, जो सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री ट्रायल हो सकता था, आज उस लॉ को ही ख़त्म कर दिया, लॉ को अल्ट्रा वायरिस डिक्लेयर कर दिया 4/1 के फैसले से। जो पैरा नंबर 2 और 3 है वो यूनानिमस फैसला आया 5 के 5 जज साहबान ने। अभी बैरिस्टर साहब को कह रहा था कि ये 67 की अमेंडमेंट है, इनका ख्याल है कि नहीं, ये भुट्टो दौर की अमेंडमेंट है? नहीं, 67 की है, मेरी इन्फॉर्मेशन भी यही है, 67 की अमेंडमेंट थी जिसके अंदर वो सिविलियन का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता था, उस जमाने की है, मुझे याद है, मैंने देखी भी है। तो इसलिए भुट्टो साहब के ज़माने में भी मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी, आपको याद होगा 77 में, जिसको सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दी थी, इन्होंने भी मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी उसी लॉ के तहत। तो इसलिए मुख्तलिफ अवकात में बनती ज़रूर रही हैं, लेकिन आज इन्होंने लॉ ही ख़त्म कर दिया। आप इसको वेलकम कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ये एक नया सूरज तुलू हुआ है, एक लिहाज से नया सूरज तुलू है, इसलिए कि वो लॉ जो एक ब्लैक लॉ था, जिनके यानी बुनियादी हकूक़ हैं सिविलियंस के, वो अगर आपने इस ज़रिए से ख़त्म करने थे, वो आज वो लॉ का ही खात्मा हो गया जिसके ज़रिए वो इबहाम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अच्छा, वैसे किसी जमहूरी आदमी को सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल की बात नहीं करनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब से हमने एक बैकग्राउंड इंटरेक्शन था, तो उसमें मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स इनको हम कहते हैं, तो ये ट्रायल तो इसी में होगा। तो मुझे उनकी बात ज़्यादा पसंद नहीं थी, मैं ऑन एयर भी इसका इजहार पहले भी किया था, आज दोबारा कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इस गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं। साइफर के नीचे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इमरान खान के ऊपर आज फर्द जुर्म और शाह महमूद के ऊपर फर्द जुर्म का अमल शुरू हो गया, वहाँ क्या देखते हैं, क्या बनने वाला है ये अमेंडमेंट इसके ऊपर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर भी और मिलिट्री एक्ट के ऊपर भी? अभी भी अमेंडमेंट पीडीएम करके गई है जाते जाते। देखिए जी, ये अमेंडमेंट करके गए हैं, पहली बात तो यह है कि इसको हमने चैलेंज भी कर दिया है, ये अमेंडमेंट तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अप्रूवल के बगैर है, आर्टिकल 75 के तहत, ये अलग बात है, अदालत को देखना पड़ेगा, प्रेसिडेंट साहब का रिस्पांस बड़ा एम्बिगुअस है, मैं वो अलग बात है। लेकिन देखें आर्टिकल 75 के भी 2 हिस्से हैं, एक आर्टिकल 75(1) है, एक 2 और 3 है। 1 के तहत डीम टू बी लॉ नहीं बन सकता, ये सेटल लॉ है, लिहाजा ये आइन की तशरी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं और पेशावर हाई कोर्ट में भी ये चैलेंज हो गया है। लेकिन इसका इतलाक़ इसके अंदर लिखा हुआ है कि माजी से नहीं होगा, विद इमीडिएट इफेक्ट होगा, ये 18 अगस्त से लागू किया है, ये FIR है 15 अगस्त, जो ऑफिशियल उसका गजट नोटिफिकेशन है उसके अंदर उन्होंने 18 अगस्त डाल दी है। तो जब 18 अगस्त डाल दी है तो 18 अगस्त से आनवर्ड चलेगा, ये FIR है 15 अगस्त की, और ये वकूआ है पिछले साल मार्च और अप्रैल का, तो इसलिए उसका इतलाक़ नहीं हो सकता। दूसरी बात, यहाँ तक इस बात का ताल्लुक है
कि ये जो साइफर की FIR या इंडाइटमेंट हुई है, मैं समझता हूँ कि यह गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम की गई है। एक शख्स जिसने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है इनके तहत, वो है प्राइम मिनिस्टर। अगर आगे जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर एंड दी कैबिनेट है, और कैबिनेट ने डीक्लासीफाई कर दिया था इसको। डीक्लासीफाई होने के बाद तो फिर कौन सा जुर्म बाकी रह गया है? और दूसरी बात मुझे बताएं, आज भी ये कॉन्फिडेंशियलिटी तो उसकी रही ही नहीं डीक्लासीफाई होने के बाद। अच्छा, इंटरसेप्ट ने रिपोर्ट जारी कर दी, हुकूमत पाकिस्तान गई है कि किसके कौन सोर्स था? उन्होंने तो जो सोर्स बताया है वो आर्मी ऑफिशियल बताया है ना, तो हुकूमत पाकिस्तान जाती कि ये जो कुछ आप इंटरसेप्ट के आप कंटेंट्स कह रहे हैं ये गलत हैं, और दूसरा वो ये कहते जो आप सोर्स बता रहे हैं वो भी गलत हैं, वो नहीं गई। और फिर जब अमरीकी तर्जमान से पूछा गया, उसने कहा हाँ यस ये हुई है, लेकिन ये दो डिप्लोमेट्स के दरमियान गुफ्तगू थी। और असद मजीद ने क्या कहा? उसने कहा ये ऑफिशियल हमारी मीटिंग थी। अब जब असद मजीद या आजम खान आएंगे विटनेस बॉक्स में, 161 के बयान दोनों के आपने आई होप पढ़ लिया जी, उनके जब वो आएंगे विटनेस बॉक्स में, मुझे बताएं वो क्या कहेंगे? वो जो उन्होंने 161 में कहा, जो 161 में क्या है तो बात होगी। आजम खान जो कहा है कि वो इमरान खान जो थे फौज को टारगेट करने का इस साइफर को इस्तेमाल करते हुए इरादा रखते थे, और इसी काम के लिए उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। और बात यह है, असद मजीद ने अपने 161 के स्टेटमेंट में कहा है कि इसके अंदर कोई थ्रेट का या कोई कॉन्स्पिरेसी का तस्करा ही नहीं था। असद मजीद की बात को छोड़ें, असद मजीद ने वो साइफर लिखा है ना, वो साइफर ही का तो मुकदमा है। साइफर के कंटेंट्स को वो चेंज करके कोई स्टेटमेंट दे सकता है? कंटेंट उसके जो मर्जी, मुझे बता, लेकिन वो जो लहराया हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ है, वो तो पब्लिक में है ना, उसका क्या करें? तो उसकी ही तो इजाजत है ना डीक्लासीफाई होने के बाद, और प्राइम मिनिस्टर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अच्छा एक चीज और बता, सिर्फ एक फिक्र, शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था, अभी भी आपके पास सेव है, धमकी आमेज गुफ्तगू थी, इस पर हाई पावर्ड कमीशन बनाऊंगा, कौन कौन सा ऐसे किरदार हैं? कब क्यों नहीं बनाया? चलो आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जब गए थे वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था वो भी। इमरान आप क्या कहते हैं शोएब साहब? देखिए बिल्कुल करना चाहिए, हम तो कहते हैं 90 डेज, चले 90 डेज नहीं हो सकता, वही यको मार्च वाला फैसला, मिनिमम डेविएशन वाली बात। पहले ही आप 10 महीने से दो गैर आइनी हुकूमतें बिठाई हुई हैं पंजाब और KP में, कितना एक आप ये करेंगे? और इसमें पीपल्स पार्टी का भी वाकई कसूर है कि उनको CCI की मीटिंग ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, दो गैर आइनी लोग बैठे हुए थे, और ये सारा पीपल्स पार्टी आपको याद होगा, और ये सारे जो लोग थे PMLN वाले भी, ये मुस्तकिल ये कहते थे कि हम पुराने सेंसस में करेंगे, वरना आप इलेक्शन तबाह हो जाए। 3.5 साल में PTI ने सेंसस ही नहीं था करवाया। चलिए हमने सेंसस करवा के, हमने पिछले साल जनवरी में नोटिफाई वाली किया था ना, 16 महीने बैठे रहे, 2022 जनवरी में कर दिया था, 2022 के बाद इनके पास 1.5 पौने 2 साल मौजूद थे। क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। फिर भी कुछ तो आप नहीं, हमने तो चलो हमारे अगर हुकूमत होती तो हम जिम्मेदार होते ना, ये जो 2.5 साल में बैठे रहे में आपके पास, और अच्छा इनके पास 17 का पैसा था। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इन्होंने नोटिफाई 4 दिन पहले जरूर करना था, ये मई में करते, ये जून में करते, ये जुलाई में करते, कि 120 रोज पे जाए। इनका मकसद ये था कि किसी तरीके से इलेक्शन का इल्तवा कराएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग ने ना, हमने उतनी तनकीद नहीं की, वो शायद कर रहे हैं। एक बताऊं, इनकी हुकूमत में मिलिट्री एक्ट के तहत लोगों का ट्रायल हुआ है? नहीं तो गलत हुआ ना, आज खत्म हो गया सारा। 29 है शायद वो, नहीं नहीं ट्रायल हुआ बहुत ज्यादा। नहीं तो गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं था ना, वो लोग उठाए गए थे और जाकर के अपने ट्रायल किया। बात तो सुन लेना, मैं PTA के पैनल में श्री निसाद बैठता, वो दरमियान में टोकते हैं। नहीं नहीं, फिर उसके खिलाफ जो है ना अपील की फेडरल गवर्नमेंट ने, पेशावर गवर्नमेंट ने उनको छोड़ा, पेशावर और लोग हैं। नहीं नहीं उसमें लेकिन जो बाकी हुए थे वो यहाँ हुए थे, जिनको कर्नल इनाम रहीम जो है वो उनको हैंडल वो डील कर रहा है। वो बंदे उठाए गए थे, उठाने के बाद मिसिंग पर्सन में थे, बाद में पता चला कि जनाब वो उनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल हुआ, वो लाहौर हाईकोर्ट में पटिशन भी पेंडिंग है। आज इस लॉ के खत्म होने के बाद सबको रिलीफ मिलेगा। एक एंड के ऊपर एक न्यूज रह ना जाए, नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी पाकिस्तान में, मीनार पाकिस्तान में जलसा भी उन्होंने अच्छा कर लिया, अब कल हाईकोर्ट में भी वो पेश होंगे, 2 केसेज अल अजीजिया और एवन फील्ड, उनके जमानत क्या जी उनकी अपीलें केसेस के ऊपर जो लगी हुई हैं उनके रेस्टोर करें, रेस्टोर करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? देखें पहली बात तो यह है कि वो पहले अपीलें रेस्टोर करने की एप्लीकेशन होगी, उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों आपकी रेस्टोर की जाए, क्योंकि यू हैव इलाज की घर से गए हुए थे नहीं आ सके। हाँ इलाज ऐसा था जो 4 हफ्ते के लिए लिए गए, पूरी दुनिया घूमने के लिए वो ठीक थे, वो दुबई और जो सऊदी अरब भी जा सकते थे,
वो यूरोप पूरे का दौरा कर सकते थे, सिर्फ नहीं आ सकते थे पाकिस्तान में, नहीं आ सकते थे। आपको उनको राय तो देनी पड़ेगी। देखें, आपने उनको वो प्री रेस्ट बेल दे दी, हिफाजती जमानत दे दी कि जाएं, जिस तरह की हिफाजती जमानत दी है और जिस तरह हाई कोर्ट ने सहूलतकारी की है, बड़े अफसोस से कहना पड़ी है, अफसोस से कहना पड़ता है। यही बेंच लगा हुआ है कल, सुन लें ना, मैं इसलिए कह रहा हूं, सुन लें, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, चीफ जस्टिस नैब बगैर पूछे कैसे आ गई। नैब का तो वो मुजरिम ही नहीं था, मुजरिम तो था वो या जेल सुप्रिंटेंडेंट के पास जाता या जेल के पास जाता। जस्टिस तारिक मसूद आथर जज हैं हमारे, एक आसिफ साहब मेंबर पंजाब बार कौंसल हैं, एक महीने की सजा हुई है कंटेम्प्ट में, उसने सुन लेना, उन्होंने ये लिखा है कि ये जेल में जाएंगे, उस जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन होगी, फिर अपील मेंटेनेबल होती है। चैलेंज करें ना इसे, सुबह ही चैलेंज हम नहीं कर सकते ना, स्टेट कर सकती है। स्टेट जब बांधी बन के उनके सामने, माफिया के सामने खड़ी हुई है, स्टेट नहीं करेगी, नहीं, स्टेट उनको ग्रीट कर रही है, वेलकम कर रही है इस वक्त, स्टेट गेस्ट का स्टेटस दिया हुआ है और सीसीपीओ सलूट कर रहा है, वहां हाई कमिश्नर बैठ के उनको बयानियां याद करा रहा है, स्टेट कर रही है मौजूदा हुकूमत को, अगली हुकूमत उनकी आने वाली है, तो वो तो उन्होंने प्रोटोकॉल बात ये है, अगर आपने एक इश्तिहारी मुजरिम को इस तरह प्रोटोकॉल देना है, मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है ला में लिखा, एक जो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ होता है सर, एक नदीम साहब जो फ्यूजिटिव मिला है वो मिला हुआ फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ होता है, तमाम मरात के हकदार एक भी किसी राइट का हकदार नहीं रहता, फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ मजबूरी बन जाएगी, फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ को कोई हक नहीं। मेरा अर्ज ये है कि एक जाली मंसूबे के तहत पीटीआई की मिली भगत से उनको जाली सजा दी गई, नहीं तो वो जब तक रोके ना, देखो आप नो 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 बात कर ले, मेरा जवाब ले लेना, मेरी जान आप जरूर बोले, मुझे रोकेगा तो अंदर मैं आऊंगा नहीं भाई, मुझे मैं नहीं बोलता किसी के दरमियान में, मुझे रोकेगा तो मैं अंदर आता नहीं हूँ। एक जाली मंसूबे के तहत सजा दी गई, अब पूरी कौम ने तमाशा देख लिया, अब तो हमें खुश होना चाहिए कि वो आ गए हैं और उनके साथ जो नाइंसाफी, खुश होना चाहिए नहीं, हमें तो हैं, एक जालसाजी के जरिए सजा दी के प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया, अब रेक्टिफिकेशन हो रही है तो कौम को खुश होना चाहिए, अमल जाली था,